तो देखो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन सभी कोरियन ड्रामास के बारे में जिसे आज ही के दिन अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया गया है। तो इस इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लेना। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरियन ड्रामास के बारे में। तो अडम्स नाम की 2022 की एक ब्लॉकबस्टर कोरियन ड्रामा को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया गया है। खुशी की बात तो यह है कि इस कोरियन ड्रामा के ऑल टू ऑल एपिसोड यानी कि 16 एपिसोड को हिंदी लैंग्वेज के साथ डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज कर दिया गया है। ऐसे इस कोरियन ड्रामा की जेनस मिस्ट्री रोमांस और थ्रिलर है। और अगर ऐसे तुम लोग इस कोरियन ड्रामा का इंतजार कर रहे थे तो जाके चेकआउट कर सकते हो। दूसरी कोरियन ड्रामा है माई हॉरिबल बॉस। कोरियन ड्रामा को हिंदी लैंग्वेज के साथ MSPL पर रिलीज कर दिया गया है जिसमें करीब 16 एपिसोड देखने को मिलते हैं और 16 के 16 एपिसोड को हिंदी लैंग्वेज के साथ रिलीज कर दिया गया है। तो इसे भी MSPL पे जाकर चेकआउट कर सकते हो। तीसरा ड्रामा एक चाइनीज ड्रामा है जिसका नाम है लव इज स्वीट। इस चाइनीज ड्रामा को हिंदी लैंग्वेज के साथ MSPL पे रिलीज किया गया है जिसमें करीब 36 एपिसोड देखने को मिलते हैं लेकिन अभी तक फिलहाल 20 एपिसोड को हिंदी लैंग्वेज के साथ रिलीज किया गया है और बाकी के एपिसोड अगले सप्ताह देखने को मिल जाएंगे। तीसरा ड्रामा एक टैबनीज ड्रामा है जिसका नाम है मूनलाइट रोमांस। इस ड्रामा को हिंदी लैंग्वेज के साथ MSPL पे रिलीज किया गया है और अगर तुम लोग इस ड्रामा का इंतजार कर रहे थे तो वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। पांचवा ड्रामा है माई फैमिली। ऐसे ये ड्रामा एक जैपनीज ड्रामा है जिसे हिंदी लैंग्वेज के साथ डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज किया गया है और सच कहूँ तो ये सीरीज बहुत ज्यादा ही अच्छी है जिसमे करीब 12 एपिसोड देखने को मिलते हैं और 12 के 12 एपिसोड हिंदी लैंग्वेज के साथ डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज हो चुकी है। अब इसके बाद एक अगली अप टू डेट है एक न्यू कोरियन ड्रामा के बारे में जिसका नाम है अंडर द क्वीन अम्ब्रेला। ये कोरियन ड्रामा नेटफ्लिक्स पर इतनी बड़ी हिट हुई है कि इस कोरियन ड्रामा को इंग्लिश लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स पर अभी रिलीज किया गया है लेकिन हिंदी लैंग्वेज की अभी तक कोई भी अप टू डेट निकल के सामने नहीं आई है। ऐसे ये कोरियन ड्रामा अगर इंग्लिश लैंग्वेज के साथ रिलीज हो चुकी है तो 1 से 2 महीने में इस कोरियन ड्रामा को हिंदी लैंग्वेज के साथ जरूर रिलीज किया जा सकता है। ऐसे ये बात नेटफ्लिक्स पर डिपेंड करती है। तो देखते हैं अब फ्यूचर में क्या होता है। तो मेरे वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि ऐसी अप टू डेट हमेशा मिलती रहे। तो चलो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।